शाहजहांपुर थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सदर पुलिस ने अवैध रूप से चल रही दो पटाखा फैक्ट्रियों को पकड़ा है। ब्रांडेड कंपनी के पटाखे बनाते हुए तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से घर में बना रहे थे पटाखे। लगभग 25 लाख की कीमत के बने और अध बने पटाखे पुलिस ने बरामद किए। मिठाई के डिब्बों में छुपाकर पटाखों की होती सप्लाई। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला बाड़ूजई फर्स्ट में चल रहा था पटाखा फैक्ट्रियां। ये शासन से बड़े सख्त निर्देश थे, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इस ओर हम लोगों को बहुत संवेदनशील किया गया था। जैसा आप जानते हैं, दीपावली का पर्व बहुत नज़दीक है और इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से पटाखे बनाते हैं और बहुत ही अनसेफ जगहों पर रख के इसको बनाते हैं या उसका भंडारण करते हैं, जिसके कारण बहुत जनहानि होती है, जानमाल का नुकसान होता है, बड़ी भीषण दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इस लिहाज से यहाँ पर अभियोजना संकलन किया जा रहा था और आज सोजी और सदर बाजार के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बाड़ूजई जो यहाँ थाना कोतवाली अंतर्गत सदर बाजार अंतर्गत मोहल्ला है, वहाँ एक बहुत सकरी गली के अंदर दो जगहों पर अवैध पटाखे के कारखाने चल रहे थे। इस पर वहाँ सदर बाजार और सोजी के द्वारा रेड की गई और लगभग 12 कुंतल से अधिक जो पटाखे हैं, इसके अलावा जो बारूद है वो सब बरामद हुआ है। इसके अलावा बहुत जो रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं उनके रैपर्स बरामद हुए हैं और मज़े की बात यह है कि उसमें जो पटाखे हैं उनकी मिठाई के डिब्बे काफ़ी रखे हुए थे, सो दैट ये मालूम ना चल पाए कि पटाखे कहीं भेजे जा रहे हैं, मिठाई के डिब्बों में उसको पैक करके और उसके बाद फिर वो वहाँ थोक और फुटकर जो व्यापारी हैं उनके यहाँ इनको भेजने का प्लान था। लेकिन समय रहते इस पर कार्रवाई हो गई और ये बरामदगी हुई है। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और ये जानकारी मिली कि पहले इनका पुश्तैनी ये व्यापार था, व्यवसाय था, लेकिन उसके बाद उनके लाइसेंस वगैरह नहीं मिले और लेकिन वो इस अवैध तरीके से इस काम को करते रहे और इस सूचना पर ही कार्रवाई हुई है। और मैं इसमें मैं मानूंगा कि सोजी की और सदर बाजार की जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस है वो काम है।